ईश्वर का द्वार, धर्म का द्वार, मोक्ष द्वार संकीर्ण है, सूक्ष्म है। चार बेरा उहदे नालों भी दुष सन, उस नालों भी ज्यादा जालम सन। यह दो लफ्ज कह के शेख सादी ने अपनी जान छुड़ाई। मित्रों दोस्तों, इहदे च बड़ियां खूबियां सन, अपने बाकी चार बेरावां नालों चंगा सी। इहदा मतलब है जितना ये जालम सी वह चारे इस तो ज्यादा जालम है, जितना ए दुष्ट सी वह चार इस तो ज्यादा दुष्ट ने। मरे हुए दे नवे तो कुछ ना कुछ तो जो है कहना ही मुरदा पे। हुण चार बंदे उसकी उपमा पै करते हैं, वो कोई गुब्बारे की तरह फुल नहीं जाता। तो जे चार बंदे निंदा कर लग पैन उहदे सामने, चंगा होया मर गए, वक्त पाया से। इस निंदा नाल कोई वह दुखी नहीं। हाण लाभ निंदा उस्तत, जीवन दिच ऐसा करना बड़ा औखा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहंदे ने, उस्तत निंदा दो ते आगे खोजे पद निर्वाणा, पर जन नानक एव खेल कठन है, किन्हू गुरमुख जाना। बड़ा कठन खेल है, मनुख उस्तत भी ना करे, निंदा भी ना करे, करदा मनुख उस्तत भी सुनना चाहता है, निंदा भी सुनना चाहता है, करना भी चाहता है। धार्मिक मनोविज्ञान ये कह रहा है, मनुख उस्तत भी सुनना चाहता है, बशर्ते अपनी होवे, फिर रस आउंदा। मनुख निंदा भी सुनना चाहता है, बशर्ते दूजे दी होवे, पड़ोसी दी होवे, शरीक दी होवे, फिर बड़ा रस आउंदा। रस उदों दुख बन जाता है, कदों निंदा अपनी होवे ते उस्तत पड़ोसी दी होवे, फिर दुखी हो जाता। निंदा सुन के खुशी भी मिलती है, बशर्ते दूसरे दी होवे। उस्तत सुन के खुशी भी मिलती है, बशर्ते अपनी होवे। उस्तत सुन के बड़ा भारी दुख हो जाता है, शरीक दी होवे, पड़ोसी दी होवे। ये निंदा सुन के भी बड़ा दुख मिलता है जब अपने हो। हुण मुरदे की उस्तत करो भावें निंदा करो, वो इस तो परे चला गया। हाण लाभ तो परे चला गया, दुख सुख तो परे चला गया, नफे नुकसान तो परे चला गया। मुरदा सुन है क्योंकि उहदे च कुछ रहा नहीं, जिंदगी रही नहीं। तू जिंदा होंदिया होंदिया सुन हो जा। जीवत मरे मरे फुन जीवे, ये बच्चियां दा खेड धर्म ना समझ लेना। लोगन राम खिलौना जाना, इते मुरदे वांग मरी दो। इते जीवत मरे मरे फुन जीवे, ऐसे सुन समाया अंजन माए निरंजन रहिए। बौड़ ना भौजल दाया मेरे राम, ऐसा खीर बिलोइए। गुरमत मनवा अस्थिर राखिए, इनबिद अमृत पियोइए। सुन समाद अनहद ते नाद, कहन न जाई अचरज बिस्माद। जीवदे जागदे मनुख दा मन सुन होना कठन गल है। क्यों नहीं सुन होंदा? मंगा ने बड़ियां भारियां मंगा करके अंदर बड़ा रोला रहिंदा, बड़ा शोर, बड़ा शोर। मनुख जिधर भी जा रहा है शोर नाल ले जा रहा है, मंगा दा शोर। मनुख जिथे भी बैठा है, भीड़ दे च बैठा है, मंगा दे भीड़।
ਇਹ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੰਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਦਵਾਨ ਤਿੰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਭ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੰਗਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਅਗਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਦਾ ਅੰਧੇਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਆਉਣ। ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਲੋਭ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹ ਲੋਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਕੁਛ ਕਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹ ਇਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ? ਲੋਭ ਨੂੰ। ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮ ਨੂੰ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ। ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਜਦ ਆਪਣਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਨੇ, ਉੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਖਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਲਦੇ ਹੋਇਆ ਖਾਣ ਪਾਨ ਦਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਸਤਰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਜਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਨਮਕ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਾਲ ਨਮਕ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਚਿੱਟੇ ਨਮਕ ਦੇ ਪਹਾੜ, ਦਰਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਨਮਕ ਦੇ। ਜੈਸੇ ਜਬਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਰਮਦਾ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਪਹਾੜ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ, ਮਾਰਬਲ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਅਜੂਬ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮ ਹੈ। ਪੇੜਾ ਘਾਟ ਜਬਲਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਈ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਨਰਮਦਾ ਜਿਸ ਦਰੇ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਜੂਬਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਮਾਰਬਲ ਦਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਮਾਰਬਲ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੰਗਮਰਮਰ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਪਹਾੜ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੰਗਮਰਮਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾ ਬਾਗ ਮਾੜੀ ਇੰਡਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਨਮਕ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਬੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ, ਅਬੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਘੋੜ ਅਸਵਾਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਉੱਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਵਾਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਕੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਤਨੇ ਘੋੜੇ ਉੱਠ ਲੰਘਣ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਲੰਘਣ ਨਾਲ
रह सिंध दे किनारे जो रेत सी धूड़ बड़ी उड्डी, बहुत उड्डी। इसे ही धूड़ दे च सिकंदर दिया निगाहां की देख दिया ने, दरिया दे कंडे थे कोई लेटे होया, क्योंकि उसने करवट बदली तो देखदा जिंदा मनुख है। कहिंदा हैरानगी सियाणा बड़ा सी, इन्ना लाव लश्कर लंघे है इहदे उत्ते कख भी असर नहीं पिया, उसे तरह ही लेटे होया, खड़े होके देखिया नहीं, डरिया नहीं, उसे तरह ही लेटे होया। सिकंदर इस तरह की कुछ खोजी बिरती रखदा सी, घोड़ा उहदे कोल लै गया। उस फकीर ने, उस साधु ने, उस सन्यासी ने एकदम प्रश्न किया, सिकंदर किथे जा रहे हैं, किथे जा रहे हैं? सिकंदर सोचता है किसे जासूस ने साढ़े इसनों दस दिता है, मैं सिकंदर हाँ, चढ़ाई करना है, ताई ते मेरा नाम जानता है, किथे चले हैं? देखदा नहीं फकीरा, हिंदुस्तान नो फतेह करन चले हैं। ये सन्यासी खिड़खिड़ा के हसे, इदी हसी दे तनस सी, बड़ी चोट सी। सिकंदर कहिंदा हसे क्यों? पता उस फकीर ने की आख्या, सिकंदर मेरे सवाल दा तू जवाब नहीं दिता, मैं तेथों पूछे है किथे जा रहे हैं, जवाब मैं दे देता है, हिंदुस्तान नो फतेह करन चले हैं, तो मेरा सवाल अपनी थां ते खड़ा है, जब तू हिंदुस्तान फतेह कर लेगा फिर की करेगा? मेरा सवाल अपनी थां ते खड़ा है, तेरे जवाब नाल मेरा सवाल गिरया नहीं है। चंगे चंगे दार्शनिक उन्हां दी संगत सिकंदर करदा हुंदा सी, उन्हों भी महसूस होया सादे जिहा कपड़िया च इह सादा जिहा मनुख धूड़ दे च लिपटिया होया, गल ते बहुत गहरी करदा। कहण लगा फकीर साईं सुन ले, कोई मैं हथ दे उत्ते हथ धर के थोड़ी बैठांगा, जद मैं हिंदुस्तान फतेह कर लिया होर मुलक फतेह करा। फिर फकीर खिड़खिड़ा के हसे और कहा, सिकंदर जद तू ओ मुलक भी फतेह कर लिया फिर की करेगा? हुण सिकंदर नूं समझ आई फकीर दा सवाल गिर नहीं सकदा, मेरा जवाब इहदे सवाल नूं शांत नहीं कर सकदा, लेकिन फिर भी तिफल तसली वास्ते जवाब दिता है, फकीरा फिर मैं होर मुलक फतेह करांगा। चलो मन लैंदे हैं तो ओ मुलक भी फतेह कर लिया फिर की करेंगा? हुण समझ आ गई, इते चलदा रहेगा, इते चलदा रहेगा, रोग उतने चिर तक चलदा ही रहिंदा है जितने चिर तक निदान ठीक ना हो जाए, इलाज ठीक ना हो जाए। प्रश्न अपनी थां ते प्रश्न ही बनिया रहिंदा है जितने चिर तक सही उत्तर ना मिल जाए। फिर तू की करेगा जद ओ मुलक भी फतेह करना है? अद की सिकंदर खिड़खिड़ा के आप हसे है और उच्ची आवाज नाल बोलिया, फकीरा सुन, सारी दुनिया फतेह करा, एक चप्पा जमीन नहीं रहने देंगा जो मेरी मुट्ठी च ना हो, मैं सारी सृष्टि का राजा बनना, एक चप्पा जमीन नहीं रहने देंगा जो मेरे कब्जे च ना हो, जो मेरी मुट्ठी च ना हो। हुण सिकंदर सोचता हुणे चुप करेगा, आपां ठीक जवाब दे दिता, लेकिन नहीं, फकीर फकीर सी। सिकंदर जब तू सारी दुनिया फतेह कर ली फिर की करेगा?
फिर की करेगा। अदकी मथे ते वट पै गए चिंता दे, ये सवाल अपनी थां थे। जब तू सारी दुनिया फतेह कर ली फिर की करेगा फकीरा, फिर मैं आराम करांगा, विश्राम करांगा। ते फकीर कहिंदे कबख्ता आराम करना ते आ मेरे नाल कर, मैं आराम पिया कर। आपा आराम दे च तू इतने पुआड़े पाके आराम करेगा, आपा आराम दे च तू इतने स्यापे पाके आराम करेगा, इतना अनर्थ करने तो बाद आराम करेगा। इस तरह आराम किसे नु नसीब नहीं आता। हिंदुस्तान नु फतेह करके जब वापस जान लगा, रस्ते च अरब दी खाड़ी रिच अपने जहाज शिप दे च दम तोड़ गया। जब चलन लग्या सी यूनान तो मां ने आख्या सी जल्दी आवे, किधरे मेरी अखां तेनों देखण वास्ते तरसदियां ना रह जाए। सिकंदर कहिंदा मां मैं छेती आवांगा, बहुत जल्दी आवांगा, तू 3 महीनों तो बाद बूए ते खड़ी होके मेरी उड़ीक करे, मैं जल्दी आवांगा। 3 महीने की लंघ गए, 4-5 महीने रोज बिचारी बूए ते खड़ी हो, देख दिए सिकंदर नूं अज आवेगा कल आवेगा। जब दम टुटन लगे ने, नाल शाही तबीब जड़े सन उन्हां नूं कहिंदा इंज करो, ऐ जितना सोना चांदी मैं लुट के लै जा रहे, शिप भरे हुए ने, जहाज मेरे भरे हुए ने, खचरां ते साजो समान लदे हुए, ये अद्धा मैं थानू देना, मैनू सिर्फ 10 दिन की जिंदगी दे दो, 10 दिन देच मैं यूनान पहुंच जावांगा समुंदर दे रस्ते, अद्धा ले लो। वैद कहिंदे ने 10 दिन, असी ते 1 दिन की जिंदगी भी नहीं दे सकते, क्यों? थोड़ा मर्ज, थोड़े स्वास टुटन लगे ने, तुसी साड़ी दवाई तो अगे चले गए, तुसी साड़ी सियाणप तो अगे चले गए, साड़ी हिकमत तो अगे चले गए। हकीम सियाणे नूं कहिंदे तुसी साड़ी हिकमत तो अगे चले गए, उत्थे तक साड़ी हिकमत नहीं पहुंचदी। तुसी साड़ी औषधि तो दवाइयां तो अगे चले गए हो, उत्थे तक साड़ी औषधि भी नहीं पहुंचदी। वैद जाने हो ही भला दारू मेरे वस, पर ए तो बस्त गोपाल के जय भावे ले कस। उस सिकंदर ने पता फिर की आख्या, अच्छा जो कुछ भी है सारा ही ले, सारा ही ले, 1 दिन दी ते जिंदगी दे दो, मैनू किसे तरीके नाल 1 दिन दा सही जीवन मिल जाए, मैं कुछ लिखना चाहना, मैं कुछ मां नूं संदेशा लिखना चाहना। पता वैदा ने की कहा, हुण 1 दिन नहीं, असी 10 दम भी नहीं दे सकते। की लिखना चाहते हो? कहने लगे जो मैं लिखना चाहता सी वह हुण नहीं लिखता, बस कफन तो मेरे हाथ बार कट के रखना, ताकि दुनिया नूं पता चले सारी दुनिया नूं फतेह करन वाला मनुख उहदे हत्थां च भी कुछ नहीं, खाली जा रहे, खाली जा रहे। मरदे समय अर्थी दे च कफन तो बाहर इस दे हत्थ रखे गए, दुनिया नूं बोध होवे। मैं अर्ज करा, हजारों ख्वाहिशें साथ लेकर दम निकलता है, ख्वाहिशां मंगा इन्हां दे केंद्र 3 होंदे ने, अहंकार लोभ काम। इस वास्ते इस नूं कहिंदे ने अहंकार वाशना, लोभ वाशना, काम वाशना।
वासना सदा मंगदी है, किसनो मंगदी है, जो नहीं है, जो नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होवेगा जो नहीं है। जीवन भर भी मंगा पूरियां होंदिया जान, फिर भी कुछ ना कुछ तो ऐसा होवेगा जो नहीं है, जो नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा होवेगा। संसार बहुत बड़ा है, पदार्थां दे बहुत ढेर ने, और इत्थे बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। इस वास्ते अनुभव यह कहता है सारियां मंगा नहीं पूरियां हो सकदियां। अहंकार दियां, लोभ दियां, काम दियां, भावें कुछ लोगों ने यतन कीते कीते। सिकंदर ने अहंकार पूर्ति का यतन किया सारी दुनिया का मालिक बनन। लोभ पूर्ति करन दा साधन जुटाया कारून ने, पता है उत्थों दा मिस्र दा रिवाज से मुर्दे दे मोह दे च सोने दी मोर रख देंदे सन। जिहड़े गरीब सन ओ चांदी दे, जिहड़े बहुत ही गरीब सन ओ तांबे, ये रखना लाजमी होंदा सी। जैसे अजकल चीन दे च थाईलैंड दे च भी कुछ इस तरह करते ने, नकली नोटां दे बंडल मुर्दे दे नाल जलांदे ने या दफन करदे ने, भी अग्गे दा खर्चा देईए, ये निर्धन होके ना जा। कारों कबरां पुटा के मुर्दियां दे मूंह दे चों चांदी दे सिक्के, सोने दे सिक्के, तांबे दे सिक्के कढ़वा लैंदे, बादशाह से, बादशाह से। मैं तो इस देश के बादशाह दियां कुछ कहानियां पढ़िया ने, दंग के रह गया। इतना शौमपना स्टेट दे मालिक, और इतना शौमपना। दरअसल धन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, कोई पहाड़ां दे सोना मुकते नहीं गया, खाना जारी ने, निकल रहे। कोई सुहागर दे च मोती खत्म ते नहीं हो रहे। लखां साल तो लोकी कढ़दे पए ने, हुण भी निकल रहे। कोई लोहा मुक नहीं गया, तांगा बाह मुक नहीं गया, मनुख मुक जांदा है, मनुख मुक जांदा है, पदार्थ नहीं मुकदे। और ये पदार्थ अपने भंडारे दे च परमात्मा रोज रोज नहीं पांदा। जो कुछ पाया सो एका, इको दफा पा दिता है उन्हें सारे संसार दे पहाड़ां च, जमीन दे च, सोना चांदी तांबा हीरे मोती और अन उपजाऊ दी शक्ति इस जमीन, जमीन ही दे रही है सब कुछ, पहाड़ दे रहे हैं, सागर दे रहे हैं, तो मुकते नहीं गए, मुकते नहीं गए।